हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वन मोर डे, वन मोर बीटीएस सॉन्ग। और डेफिनेटली हम एक्साइटेड है कि क्योंकि ये सॉन्ग का रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था मेरे को एकदम, कि लव में इस पर रिएक्ट करो, लव में इस पर रिएक्ट करो। तो डेफिनेट एक्साइटेड तो है ही है, बट मेरे को बहुत सारा कमेंट आया कि ये मेरा टाइप का सॉन्ग है भाई। क्यों कि ये मेरा टाइप का सॉन्ग है? क्योंकि हम जितना भी, मेरा एक टाइप है सॉन्ग का जो हमको खुद नहीं पता, तुम लोग को पता चल गया कि हम किस टाइप का सॉन्ग पे अच्छा रिएक्शन करते हैं, किस टाइप का, किस टाइप का सॉन्ग को हमको थोड़ा ऑड लगता है सुनने में। तो डेफिनेटली तुम लोग बहुत कोई बोले कि ये मेरा टाइप का सॉन्ग है, कि इस पे मेरा पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। तो हम भी, ऐसा क्या सॉन्ग है जो मेरे को अच्छा लगेगा? तुम लोग कन्फर्म हो तो लेट्स गो चेक इट आउट, लव मीज। इसका लाइव परफॉर्मेंस भी है इसके बाद, तो वेट करना। Good start. जिमिन फुल रैप वाला फ्लो में क्यों आया ये? चक चक टा 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 ना ना ना। वही आरएम गोइंग हैम भाई, पूरा बीट पे जो राइड किया है आरएम, मजा आ गया। डेफिनेटली जिमिन रैप के साथ आया, जंगकुक सिंगिंग, हल्का सा उसका भी रैपिंग और सिंगिंग का जो गैप होता है ना, उसमें ये लोग गा रहा था भाई। सिंगिंग था बट उसमें रैपिंग एलिमेंट्स था दोनों में। और ट्रैप एकदम भाई, रैप मॉन्स्टर आकर रैप मॉन्स्टर कर दिया एकदम, पूरा टर 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 फ्लो भाई। वही अब आर एम सिंगिंग स्टार्ट कर दिया। ओ माय, Let them be them, let us be us. Love is amazed, and what you is amazed, yeah. Let's go, B. ये सेम टोन जिमिन जो इसमें यूज़ कर रहा है, सिमिलर टोन सेट में फ्री जो सॉन्ग है जिमिन का सोलो, तुम लोग नहीं सुना तो रिएक्शन भी है चैनल पे। सेट में फ्री जो सॉन्ग है इसमें सिमिलर टोन यूज़ कर रहा था, हम लोग देख के शॉक हुए थे बहुत। कोई जो सेट में फ्री है वो एकदम सरप्राइज किया था मेरे को, ये कैसे गा दिया जिमिन। तो डेफिनेटली वो एलिमेंट ये सॉन्ग में जिमिन का दिख रहा है, इसी को वो थोड़ा और परफेक्ट करके सेट में फ्री में किया है। बस उसमें बहुत लोगों को वो पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि ऑटो ट्यून की वजह से, हमको पसंद आया बट ऐसा नहीं कि हम बार बार सुन पाए उसको। बट ऑटो ट्यून बहुत जन को खटकता है, मेरे को नहीं खटकता अगर अच्छा से यूज़ किया जाए तो। जैसे रन बीटीएस में जी होप यूज़ किया था, रन बुलेट वो वाला रन बीटीएस में ये जी होप यूज़ किया था, तो उसमें कितना अच्छा लग रहा था। उस वैसे सेट में फिर मैं जिमिन यूज़ किया था, एकदम अपना साउंड इफेक्ट ही इतना साउंड से चेंज कर दिया था कि कोई अलग पर्सन लग रहा था। वो सेम एलिमेंट जो फ्लो उसमें था ना, उसमें हमको इस वाले जिमिन में ये भी जुगा रहा, उस वो वाला चीज़ हमको रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहा है। Yeah.
शुगा फिर से बोल के आया शुगा पीक किए एक सेकंड हमें लेट्स गो देखो इसमें भी शुगा थोड़ा सा बैकग्राउंड में एकदम हल्का सा ऑटो ट्यून यूज किया है जिससे अपना आवाज को थोड़ा स्ट्रेच कर रहा है ये जो आवाज है ना वो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अब तो जेहोप के लिए एक्साइटेड है ये फुल जेहोप टाइप का बीट है देखना शुगा का डायरेक्ट जेहोप आएगा एकदम फ्लो के साथ नहीं आया फॉल्स प्रेडिक्शन इसमें जेहोप भी फुला पूरा फ्लो के साथ आया भाई टेन आउट ऑफ टेन सॉन्ग इतना ही बोलेंगे हम भाई बटरफ्लाई हम लोग सुन चुके हैं बट इसका लाइव डब में इसका लाइव परफॉर्मेंस तो फुल्ली एक्साइटेड है ये देखने के लिए तुम लोग इसका लिंक भेजा गया था मेरे को तुम खोल के रख दिए लेट्स गो ओ भाई ये लोग मतलब ओल्ड बीटीएस मतलब काइंड ऑफ जब भी लोग फेमस तो हैं लोग बहुत पहले से है बट अर्ली बी टी एस फेम मतलब ग्लोबली फेमस इस समय ग्लोबली फेमस था ये मतलब वही एवरेज जब थोड़ा सा कम ग्लोबली फेमस था सबका आई थिंक ये तो अपलोड करने का तो ये लोग दूसरा चैनल में है ये किस एरा में है कोई बता सकता है मतलब कौन सा एल्बम के टाइम पे है ये ये लोग थोड़ा ग्रोन अप लग रहा है मतलब ज्यादा पुराना नहीं है आई थिंक 2019 या 18 का होगा ये ओ भाई हमको जीवन का रिफ्लेक्शन देख के लगा दो दो जीवन क्यों खड़ा है चार जीवन अरे मैं फीलिंग हिमसेल्फ भाई मिरर में देख के खुद से गाना गा रहा लव में यस सॉरी सॉरी लेट्स गो सब जेन्युइनली इस सॉन्ग को बहुत पसंद कर रहा है लग कोई वाइब देख रहे हो खुद गा रहा है खुद झूम रहा है मतलब वाइब है सॉन्ग में खुद ये लोग को होता है ना कि एक सॉन्ग ये लोग जब बनाता है तुम कुछ भी खुद से क्रिएट करते हो
बार बार देखी, बार बार एक ही सॉन्ग को सुनोगे तो ना थोड़ा इन्जॉयमेंट वो थोड़ा लुप हो जाता है, क्योंकि तुम प्रोडक्शन के टाइम में भाई 50-60 बार नॉर्मली एक सुन के, फिर कंफर्म करते समय ये लोग एक सॉन्ग का 500-300 बार तो नॉर्मल, 300 से 500 बार तो सुनते ही होगा लग खुद का सॉन्ग, इतना ज़्यादा ये मतलब प्रोडक्शन में जब जाता है, जब परफॉर्म करता है, जब प्रैक्टिस करता है, बार बार सुनना पड़ता होगा। इसमें ये लोग जेन्युइनली वो खुशी है जो सॉन्ग में होना चाहिए कि जो वो लोग क्रिएट किया है इन एकदम दिख रहा है। लेट्स गो भी हमको लगा शुगर आएगा। हमको देखना भाई शुगर, शुगर बोल के जब एंट्री लेता है ना शुगर, फिर रैप करना चालू करता है, वो मजा आता है। तो मिस कर गए शुगा, खुद शुगा ने बोला, आर एम उसको हाइप किया शुगा बोल। हे भाई वर्ल्ड वाइड हैंडसम खुद को मिरर में देख के लव में इसमें फंस गया भाई, ये तो होना ही था एक दिन। भाई हारमोनी जय हो फीलिंग हिमसेल्फ। जंकू का अकेले है जो ऑडियंस की तरफ देख के कहा रह गया। भाई सॉन्ग इतना अच्छा क्यों है हमको ये जानना है। डेफिनेटली तुम लोग एकदम सही बोले थे, जिस टाइप का मेरे को सॉन्ग पसंद है ये उसमें से एक, क्या ये उनमें से टॉप पे आ रहा है कि मेरे को बहुत पसंद आया ये सॉन्ग। डेफिनेटली शुगा कह रहा है, आरएम का जो फ्लो था, जी हुक का फ्लो भाई फ्लो अनएक्सपेक्टेडली आया, थोड़ा सा एकदम फास्ट जाते 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 एकदम फास्ट हो गया एकदम, ये सॉन्ग एकदम अनप्रेडिक्टेबल था, काइंड ऑफ लाइक अ मेज भाई, लव मेज भाई। ये लोग हमेशा अपने टाइटल के साथ प्लेफुल रहता है, जो बीट भी था वो जम्बल्ड था मेज। भाई रेफरेंस मारते रहेंगे भाई, ऐसा लग रहा हम प्रमोशन करने आए हैं वो लोग का। पर कोई नहीं, डेफिनेटली ग्रेट सॉन्ग, हमको और सजेस्ट करते रहो, हम और भी लाते रहेंगे वीडियोस, और डेफिनेटली हम रिसेंटली एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं बहुत सारा और चीज़ इस चैनल पे, तो डेफिनेटली बने रहो और सब्सक्राइब करो, वो तो ज़रूरी चीज़ है चैनल का ग्रोथ के लिए, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होता है वो करो। हम आगे जाते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग तुम लोग सजेस्ट करो वो वीडियो आ जाएगा। अभी के लिए हम चलते हैं, मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है, बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा गाइस।